सजा के द्वारा पहले हमला करना, तुरंत बाद पिता का यही बयान आना कि वो मानसिक रूप से बीमार है। तो उसको अपने अब्बा या अम्मी क्यों नहीं दिखे हमला करने के लिए, उसको अपने पड़ोसी क्यों नहीं दिखे हमला करने के लिए, उसको कोई मस्जिद या मजार क्यों नहीं दिखा कि वहां पर वो जाकर हमला कर देता और अपने आप को मानसिक दिवालियापन का शिकार घोषित कर देता कि मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान IIT का ग्रेजुएट नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ी शर्म आती है इस बात को बताते हुए कि एक किताब क्या ये लोग पढ़ लेते हैं, पता नहीं कौन से जन्नत और हूर का नशा इनके अंदर भर दिया जाता है और इनको सिर्फ एक ही नशा दिखता है, वो नशा होता है कि हिंदुओं को खत्म करो। जैसे बुरहान वानी को आपने देखा, जैसे आपने अफजल गुरु को देखा, जैसे आपने अजमल कसाब को देखा, वैसे ही जन्नत और हूर का मजा लो। इस हमला को हम लोग आतंकी हमला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शोएब जमाई, मोहम्मद अंसार राजा, तौकीर, ये जो जाकिर नायक है, ऐसे लोगों के बयान को सुनो कि ये लोग कितने बड़े सपोले इस भारत राष्ट्र में जन्म लिए। क्या नाम है भैया? सुभाष सिंह। सुभाष जी, सबसे बड़ी बात है कि मुर्तजा के द्वारा पहले हमला करना, उसके बाद तुरंत बाद पिता का यही बयान आना कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे से तंग रहे है जनता। हाँ देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई थी उसके पिता के द्वारा, और यहाँ पर मैं उसके पिता का दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा खराब हो, बट ये एक अलग कोट हो गया, इसको दूसरे साइड में रखिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर वो मानसिक रूप से बीमार था या विक्षिप्त था तो उसको अपने अब्बा या अम्मी क्यों नहीं दिखे हमला करने के लिए, उसको अपने पड़ोसी क्यों नहीं दिखे हमला करने के लिए, उसको कोई मस्जिद या मजार क्यों नहीं दिखा कि वहाँ पर वो जाकर हमला कर देता और अपने आप को मानसिक दिवालियापन का शिकार घोषित कर देता या बोलता कि मैं मानसिक विक्षिप्त हूँ। लेकिन पत्रकार महोदय, इस बात को आप समझिए कि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि हम अगर अपने धर्म का बेअदबी करेंगे तो हमारा वहाँ का क्या होगा, हमारा उसका परिणाम होगा सजाए मौत। लेकिन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है, एकमात्र ऐसा कौम है जहाँ पर हम जितना मन उतना कीचड़ उछाल सकते हैं, और शर्म इस बात की है कि उनके धर्म से पहले हमारे धर्म के ही कुछ जयचंद जाकर उसका महिमा मंडन करने लगेंगे और उसको बचाने का कार्य करने लगेंगे। तो वो लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को सही में सेकुलर मानते हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे इमोशन गोरखपुर के गोरखनाथ धाम जैसे जगह पर जाकर ये लोग वैसा हमला करने का कोशिश किए। लेकिन वो एक ही परिवार में दो व्यक्ति, एक पिता कहते हैं कि वो मानसिक रूप से विकसित है और वहीं पहली पत्नी कहती है कि धार्मिक रूप से धर्म के प्रति इतनी कट्टरता कि जिसके कारण मैं भी छोड़ के चली गई। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल कोर्ट पढ़ लें तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान IIT बॉम्बे जैसा कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यहाँ पर जितने सारे लोग खड़े हैं सब जानते हैं। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रहेगा वो IIT बॉम्बे का कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकता है। IITs में कौन जाते हैं भाई साहब? IAS और IPS UPSC का एग्जाम क्रैक करने से पहले भी जो लोग शार्प ब्रेन होते हैं इस देश के, जो लोग पावरफुल ब्रेन होते हैं, वो लोग JEE मेंस का एग्जाम क्रैक करके IIT में जाते हैं और बॉम्बे का रैंक आप जानते हैं? IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली दोनों में कंपटीशन रहता है, कभी IIT बॉम्बे नंबर वन पर रहता है और कभी IIT दिल्ली बॉम्बे नंबर वन पर रहता है। तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान IIT का ग्रेजुएट नहीं हो सकता है, और वहाँ पर जाने के बाद 64 सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर में पास करके IIT ग्रेजुएट का तमगा कोई हासिल करता है। लेकिन बड़ी शर्म आती है इस बात को बताते हुए कि एक किताब क्या ये लोग पढ़ लेते हैं, पता नहीं कौन से जन्नत और हूर का नशा इनके अंदर भर दिया जाता है कि इनका जो कैरियर कंप्लीशन होता है 4-4 साल का, उसके पहले जो तैयारी करते होते हैं, सिर्फ जन्नत और हूर के सामने इनका सब कुछ चकनाचूर हो जाता है और इनको सिर्फ एक ही नशा दिखता है, वो नशा होता है कि हिंदुओं को खत्म करो और जाकर अतिताइयों के भांति, जैसे बुरहान वानी को आपने देखा, जैसे आपने अफजल गुरु को देखा, जैसे आपने अजमल कसाब को देखा, वैसे ही जन्नत और हूर का मजा लो। देखिए, कांग्रेस के अतिप्रिय जाकिर नायक की वीडियो देख करके प्रभावित हुआ है अब्बासी। देखिए, सिर्फ जब हम जाकिर नायक का नाम लेते हैं तो हमें जाकिर नायक तक ही सीमित नहीं रहना है। हम हिंदुओं को, हम युवाओं को, मैं खुलेआम डंके के चोट पे कहता हूँ कि समय आ गया है। ये IPL जो 7:30 से 11 बजे चल रहा है, डिज्नी हॉट स्टार ऑन कर लिए और IPL का मजा ले रहे हैं, नेट का उपयोग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का उपयोग करना है तो आप शोएब जमाई, मोहम्मद अंसार राजा, तौकीर,
ये जो जाकिर नायक है, ऐसे लोगों के बयान को सुनो कि ये लोग कितने बड़े सपोले इस भारत राष्ट्र में जन्म लिए हैं। जो लोग भारत में जन्म तो लिए हैं लेकिन इसी राष्ट्र को षड्यंत्र करने का किसी न किसी तरह से रोज प्रयास कर रहे हैं, कुंठित प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन भारत का युवा, जिस दिन सनातनी युवा इस बात को समझ जाएगा, उस दिन जो मुर्तजा वहां पे कर रहा है उसका प्रतिकार करेगा, उसका तकरार करेगा, उसको सही मायने में जवाब देगा। मैं आपसे वही बात बताना चाह रहा था, 8 सेमेस्टर 64 सब्जेक्ट्स एक तरफ, इतना अच्छा कैरियर होता है एक तरफ, एक जाकिर नायक आपके लाइफ को बदल देता है। आप इमेजिन कीजिए कि ये लोग आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। पहले जितने सारे लोग, जितने सारे ये 24 जनपद के पत्रकार और 10 जनपद के तलवे चट्टे पत्रकार होते थे, ये लोग एक ही बयान देते थे कि अजी अल्पसंख्यक समाज इसलिए पिछड़ा है क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। अब इन लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किसी IIT ग्रेजुएट से ज़्यादा शिक्षित कौन होता है इस राष्ट्र में? किसी IIT ग्रेजुएट से ज्यादा शिक्षित कौन होता है इस राष्ट्र में? और अगर कोई IIT ग्रेजुएट ऐसा हीनता कर रहा है, ऐसी प्रकाष्ठा को पार कर रहा है कि दूसरे के धर्म को और वहां के धर्मलंबियों को विघटित करने के लिए, विनाश करने के लिए ऐसा कुचक्र रचे, तो फिर तुम्हारे मदरसे में और यहां पर क्या अंतर है? और एक और बात पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमला है, इस हमला को हम लोग आतंकी हमला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका ये सुनियोजित प्रयास था, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और तमाम लोगों को पता है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के सर्वप्रिय नेता हो चुके हैं, ये बात सब मानेगा। हिंदू हृदय सम्राट जब वो गोरखपुर के महंत के रूप में वहां पर पूजा अर्चना करते थे और सांसद थे तो हम लोग बोलते थे, लेकिन आज उन्होंने 2017 से 2022 तक जिस तरह उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सुशासन की सरकार चलाई, कहीं ना कहीं हिंदुओं में ये आशा जगा कि आने वाला यही इंसान हम लोग को आगे लेकर जाएगा। अगर मोदी जी के बाद कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे। और इस बात को आप मानिए, इसमें तनिक भी हमें गुरेज नहीं है कि ये हमला हम तमाम सनातनियों पर हमला था कि देख लो जहां पर तुम्हारे हिंदू हृदय सम्राट का बंगला है, आवास है, कोठी है, मठ है, जहां के वो महंत हैं, अगर वो जगह सुरक्षित नहीं है, अगर वहां पर ये लोग हमला कर देते तो उसे ये लोग यही पूरे देश में प्रयोजन फैलाते कि अगर गोरखनाथ मठ तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है तो फिर हिंदुओं दूसरा बीरभूम, बंगाल और कश्मीर देखने के लिए तैयार हो जाओ, समुद्र छोड़कर तुमको कोई स्थान नहीं देने वाला। कश्मीर का आपने जिक्र किया, कश्मीर एक वही स्थान है कि जहां अगर कोई युवा हाथों में पत्थर लेता था, महबूबा मुफ्ती कहती थी ये भटका हुआ और बेरोजगार युवा है, एक तो फोटो सेवन उठाता था तो भी भटका हुआ और बेरोजगार बताते थे, लेकिन जब यहां मुर्तजा अगर हमला करता है तो यहां किसी ने नहीं कहा कि बेरोजगार है, योगी का डर है। अरे महबूबा मुफ्ती हो या यासीन मलिक हो या अब्दुल्ला परिवार हो, ये भाईचारा का बात करने वाले लोग, हिंदुओं को समझने का आवश्यकता है कि भाईचारा में वो लोग यासीन मलिक, मुफ्ती और अब्दुल्ला तो भाई भाई बन के रह गए, चारा कौन बना? हम हिंदू चारा बन गए उन लोगों के। कितना आवाज उठाई थी महबूबा मुफ्ती या सैयद जो इसके पिताजी थे, या फारूक अब्दुल्ला का परिवार, या शेख अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, जब कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू वहां से विस्थापित हो रहे थे तो कितने लोगों ने आवाज उठाया था? बंगाल में जो घटना हुई उसके प्रति कितने लोगों ने आवाज उठाया? भीम और मीम का समीकरण बनाने वाले लोग, कांग्रेस में जब एक दलित विधायक के घर पे यही मीम वाले हमला करते हैं, कितने भीम वाले लोग आकर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम इसका विरोध कर रहे हैं? सेकुलरिज्म का परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म का यही परिभाषा है कि अगर हिंदू अपने धर्म का रक्षा करने के लिए मुखालफत करे तो वो कम्युनल हो गया, लेकिन बार बार हिंदुओं पर अत्याचार हो तो सेकुलर है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वो मुफ्ती हो या अब्दुल्ला हो या यासीन मलिक हो या तमाम ऐसे लोग हो, समय आ गया है इन सपोलों के फन को कुचलने का। अगर इनके फन को हम नहीं कुचलेंगे तो आने वाले समय में तरह तरह के सपोलों का निर्माण करेंगे जो आने वाले समय में इस राष्ट्र के वास्तविक लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम कहते हैं कि अगर समाज सुरक्षित के साथ में शिक्षित होगा तो वो देश तरक्की करेगा, लेकिन IIT में पढ़ा हुआ युवा अगर हथियार उठाता है, धारदार हथियार से हमला करता है, तो कैसे देखा जाए कि सब कुछ ठीक है? भाई साहब, शर्जील इमाम भी बहुत पढ़ा हुआ था ना, शर्जील इमाम बहुत पढ़ा हुआ था, चिकन नेक का उसने बात किया था कि हम भारत के चिकन नेक को कट कर देंगे, और ये भी बहुत पढ़ा लिखा था। वो जो अमेरिका पर हमला किया था, अमेरिका के टावर पर, जो
पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था 2 मई 2011 को। ओसामा बिन लादेन वो भी बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, इंजीनियर था यूएसए में, अफजल गुरु भी बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। तो ये तमाम हाँ बिल्कुल बुरहान वानी भी पढ़ा लिखा था। ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो लोग पढ़ लिख कर ही अपने ये वो टीना डाबी से शादी हुआ था किसी अतहर का, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था। और उसके पहले कोई जम्मू कश्मीर से, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो टॉप रैंकर था आईएएस का, लेकिन 3 साल की नौकरी के बाद उसको हाँ। तो ये सारे लोग पढ़े लिखे थे। अब तय हमें करना है और तय आपको करना है कि हम इन सपोलों को पालते हैं या इन सपोलों का खात्मा करके भारत को सुरक्षित हाथों में सौंप रहे हैं। और जिस दिन भारत का युवा, भारत का सनातनी युवा इस बात को समझ गया, उस दिन हम वास्तविक रूप से फिर से उसी भारत के बुलंदियों को छुएंगे जो आज से 200, 250, 500, 1000 वर्ष पहले हुआ करते थे। सवाल, मुर्तजा जैसे पढ़े लिखे युवाओं का इलाज क्या है? मुर्तजा जैसे पढ़े लिखे लोगों का इलाज, चूंकि गोरखपुर में वैसा किया और गोरखपुर के सिविल लाइंस का है, तो ठोको बाबा से बढ़िया उसका इलाज कोई नहीं कर सकता है। जिस तरह मुख्तार का इलाज ठोको बाबा ने किया, जिस तरह अतीक का इलाज बुलडोजर बाबा ने किया, समय आ गया है कि बुलडोजर बाबा मुर्तजा का भी इलाज उसी रूप में कर दें।